बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर लेक्चर नंबर 18 और चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीन लेक्चर जो नॉलेज एरिया हैं स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हमारा न्यू अगला चैप्टर है। उस चैप्टर का जो लेक्चर 18 है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट, आज हम क्वालिटी मैनेजमेंट के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट में तीन प्रोसेस ग्रुप हैं, एक है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट और दूसरा मैनेज क्वालिटी एंड देन कंट्रोल क्वालिटी। सॉरी, ये पहला प्रोसेस ग्रुप है, नॉलेज एरिया है, सॉरी, जिसमें हम एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूशन में अब तक आप अगर आपने ध्यान किया है कि कॉस्ट मैनेजमेंट से लेकर स्कोप मैनेजमेंट से लेकर कॉस्ट मैनेजमेंट तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में नहीं आया अभी तक, प्लानिंग में है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में है। ये पहला नॉलेज एरिया है जो हमारे पास एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोसेस हमारे पास आया है। तो एग्ज़ाम में एक की पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये भी याद रखनी है कि नॉलेज एरिया में प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और किस किस प्रोसेस ग्रुप से कौन सा प्रोसेस रिलेट कर रहा है। अगर आपको ये पता है तो तकरीबन आप 50% तक तो आप पूरे फ्रेमवर्क को समझ चुके हैं। तो जैसे मैं कंटिन्यूस इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि प्रोसेसेस जो टूल टेक्निक इनपुट वो आप भले ही आपको याद ना हो, लेकिन आपको कम से कम नॉलेज एरिया प्रोसेस ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस के नाम का पता होना चाहिए और उनके रेलिवेंसी का पता होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट में एक चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, काफ़ी लोगों को इस चैप्टर में काफ़ी मुश्किल रहती हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। क्वालिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स के प्रोफेशनल्स के कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहे हैं। देखें इस पिक्चर में, इस डायग्राम में जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, देखें स्कोप ऑलरेडी डिफाइन हो चुका, कॉस्ट बजट रिसोर्स ऑलरेडी डिफाइन हो चुके इससे पीछे चैप्टर में, इसी तरह स्केड्यूल की बेसलाइंस भी डिफाइन हो चुकी हैं। अब जो जितनी भी क्वालिटी से रिलेटेड काम है वो आपने इसी ट्राइंगुलर के बीच में रहते हुए करना है। ये आप कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा, क्वालिटी इनसे बाहर निकल के कोई चीज़ नहीं है। अगर तो क्वालिटी से रिलेटेड जो फंक्शंस और जो प्रैक्टिसेस और जो एप्लीकेशंस अगर आपने मेंशन की हैं वो ऑलरेडी स्कोप में डिफाइन होंगी, स्कोप में डिफाइन होंगी तो उससे रेलिवेंट कॉस्ट भी डिफाइन हो चुकी है, और कॉस्ट में डिफाइन हो चुकी है तो टाइम में भी डिफाइन हो चुकी है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, अगर आपके स्कोप में क्वालिटी डिफाइन नहीं थी तो अभी इस लेवल पर आके आपने एडिशन कुछ ऐड नहीं करना स्कोप में। तो अब आपसे यहाँ से एक आपको एक लिंक मिल रहा है कि अगर क्वालिटी से रिलेटेड आपने एक्शंस को स्कोप में डिफाइन नहीं किए तो प्लीज़ गो बैक टू द स्कोप मैनेजमेंट अगेन एंड पे अटेंशन टू द क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस। तो यहाँ पे एक चीज़ का याद ख्याल रखिएगा, अब ये वो प्रोसेस नहीं है जिसमें हम स्कोप और कॉस्ट और टाइम को क्रॉस करने जा रहे हैं, नहीं, हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए क्वालिटी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू PMI वो हम देखना चाह रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप क्वालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जो रेलिवेंटली थोड़े से वो भी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आपको क्वेश्चंस को आंसर करना आसान रहेगा। क्वालिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, देखें क्वालिटी के मुख्तलिफ रैंडम डेफिनेशंस हैं। कोई भी आज तक कोई भी क्वालिटी को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सका। क्वालिटी क्या है, कुछ लोगों के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कुछ लोगों के लिए चीप प्राइस को जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी होती है, कुछ लोगों के लिए जो है प्री सेल सर्विसेज होती हैं, कुछ लोगों के लिए पोस्ट सेल सर्विसेज को क्वालिटी कहा जाता है। क्वालिटी की कस्टमर्स जो मुख्तलिफ लोग हैं क्वालिटी को मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन PMI की जो डेफिनेशन है वो आपको, आप इसको याद कर लेते हैं, इसकी एक ही डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू PMI और PMP के एग्जाम के लिए। क्वालिटी की डेफिनेशन है द डिग्री टू विच द प्रोजेक्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, दैट्स इट। आप कहेंगे इसमें क्वालिटी से क्या रिलेटेड, इससे क्वालिटी का क्या लेना देना, देखें इंतहाई समझने वाली बात है, ज़रा इंपॉर्टेंट बात है। क्वालिटी जिस तरह बायर की साइड पर प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसी तरह सेलर की साइड पर भी प्रोजेक्ट मैनेजर है। इस बात को समझिए, अगर आप बायर की साइड पर हैं तो आप क्वालिटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप स्कोप मैनेजमेंट में और डिफाइन करेंगे। ये बात आपको समझ लेना चाहिए, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट स्कोप मैनेजमेंट में अगर तो आपने डिफ़ाइन की है तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का नाम क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू PMI। मे बी मैं आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन PMI के अकॉर्डिंगली आपको क्वालिटी को ऐसे ही डिफाइन करना है कि जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसको पूरा कर लीजिए।
यही क्वालिटी है। क्वालिटी पार्ट है कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का। जैसे मैंने कहा कि बायर का भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, सेलर का भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, अपने अपने काम से रिलेटेड क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है। तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस के अंदर आपने क्वालिटी की सारे प्रोसेस प्रोसीजर्स को इंक्लूड करना होगा। ग्रेडिंग इज़ समथिंग एल्स। देखिए, ग्रेडिंग इज़ एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग अवेलेबल है मार्केट में। ग्रेडिंग जो है एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। ग्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट देन द क्वालिटी। क्वालिटी डेफिनेशन इज डिफरेंट देन द ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज समथिंग एल्स। ग्रेडिंग एक समथिंग एल्स। आप क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? ग्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है या क्वालिटी से? क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज़, लेकिन ग्रेडिंग पे हो जाता है। ग्रेडिंग होता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ग्रेडिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम करते क्या हैं? इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी डिफाइन भी होती हैं, आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, चेकलिस्ट भी मिल जाती हैं, टू डू लिस्ट भी मिल जाती हैं। उनको टेलरिंग की करना होता है। हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर प्रोजेक्ट की नीड नेचर डिफरेंट रहती है। आप उसको टेलर करके अपने अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को सामने रखते हुए उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। गोल्ड प्लेटिंग इज़ नॉट अलाउड। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दिस फेस। गोल्ड प्लेटिंग मीन्स गिविंग एक्स्ट्रा। पीएमआई कहती है अकॉर्डिंगली। देखें पीएमआई के कॉन्सेप्ट में, अगर फॉर एग्जांपल एक दीवार को पेंट करना है आपने, अगर सिर्फ ये डिफाइन था कि आपने दीवार को पेंट करना है, अगर आपने पेंट करने से पहले उस दीवार को साफ़ किया, उसको अच्छे से उसकी जो रफ सर्विसेज थी, सरफेस थी, उसको आपने क्लीन किया, तो अकॉर्डिंग टू पीएमआई आपने गोल्ड प्लेटिंग की, आपने एक्स्ट्रा काम किया। जो चीज़ डिफाइन नहीं थी वो आपने क्यों की? ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर वो चीज़ जो रिक्वायरमेंट में थी आपने उसी को फुलफिल करना है। अगर लिखा था कि दीवार को पेंट करना है, दैट्स इट। आपके जो बायर का प्रोजेक्ट मैनेजर था उसके स्कोप में ये था कि आपने सिर्फ पेंट करना है दीवार को, दैट्स इट। अगर आपने पेंट करने से पहले उसको साफ किया, क्लीन किया, उसकी रफ सरफेस को, उसके स्ट्रेंस को साफ़ किया, तो ये आप गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं, ये आप एक्स्ट्रा है, ये डिफाइन नहीं थी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप जो बायर की साइड के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आप कंप्लीट स्कोप को अच्छे से डिफाइन करना आपकी जिम्मेदारी है, नॉट द सेलर वन। जो सेलर का प्रोजेक्ट जो आपके काम को करने आ रहा है, उसने आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट करना है। सारे थ्योरीज को तो हम पीएमआई में डिस्कस करना मुश्किल है, सारे थ्योरीज तो हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसमें हम जो क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरुज हैं, तीन को हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक है डेमिंग एडवर्ड्स। उनके मुताबिक वो कहते हैं जी क्वालिटी जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का नाम है। ये किसी एक जगह पर ख़त्म नहीं हो जाती। आपको किसी भी प्रोसेस को अगेन प्लान डू चेक की साइकिल से गुजारना होता है हर प्रोसेस को, और कोई भी चीज़ एंड नहीं होती। हर इनोवेशन में आप देखेंगे, जैसे हर ईयर एक नई मॉडल की गाड़ी आती है, उसमें एक न्यू चेंजेस रहती हैं। कभी आपने देखा वो पुरानी चलती रहे, हर चेंजेस रहेंगी। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्वालिटी का। आप इसी साइकिल को हर प्रोडक्ट को गुजारते रहिए, और ये जिम्मेदारी वो रखते हैं सीनियर मैनेजमेंट पे, क्वालिटी को फुलफिल करना, उनको एडजस्ट करना, ये सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू डेमिंग एडवर्ड्स। क्रॉसबे फिलिप्स कहते हैं कि जीरो डिफेक्ट को हम क्वालिटी कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट आ जाए उसी को हम कहते हैं, यही है क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम मेजर करते हैं अगेंस्ट नॉन कन्फर्मेंस को, कन्फर्मेंस को, नॉन कन्फर्मेंस को। ये कौन से कॉस्ट होती है हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, इसी को क्वालिटी कहा जाता है। कन्फर्मेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। ये क्वालिटी कम्स फ्रॉम प्रिवेंशन से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, प्रिवेंशन है। कहते हैं इंस्पेक्शन नहीं, आपने प्रिवेंशन करनी है। आप किसी भी डिफेक्ट को सामने आने से पहले आप उसकी प्रिवेंशन कर लीजिए। जॉर्न जे मोसिस कहते हैं कि फिटनेस फॉर यूज़, जो प्रोडक्ट है वो कितनी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करता है, कितना सेटिस्फाई करता है, उसकी यूटिलिटी लेवल क्या है, इसी को हम क्वालिटी कहते हैं। जो रियल नीड है, जो यूटिलिटी है, वो प्रोडक्ट अपना कंप्लीट करे, उसी को कहा जाता है क्वालिटी। इनके मुताबिक कहते हैं क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्लान करना और कंट्रोल करना, ये प्रोसेस है इनके मुताबिक, जॉर्न के मुताबिक। तो पीएमपी के एग्ज़ाम में इन में भी ये जो थ्री हमने डिस्कस किए क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरुस, इनसे रिलेटेड इनके मुताबिक जो क्वालिटी की डेफिनेशन है वो में भी अक्सर आ जाती है एग्ज़ाम में। अब क्वालिटी से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने क्वालिटी के गुरु से उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ओवर द इंस्पेक्शन।
ये फिलिप्स क्रॉस्बी की का कॉन्सेप्ट था कि हम इंस्पेक्शन क्वालिटी नहीं होती, प्रिवेंशन होती है। किसी भी चीज़ के वेस्ट होने से पहले अगर आप उसके प्रिवेंशन को देखें, रूट कॉसेस को देखें, उसको इम्प्रूव करना क्वालिटी है, ना कि इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन तब होती है जब प्रोडक्ट बन जाता है, जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर हम उस पर क्वालिटी चेक्स करते हैं। क्यों ना जब प्रोडक्ट बन रहा था उस दौरान हम उसकी प्रिवेंशन करें, वहाँ से आपकी काफ़ी कॉस्ट बच जाएगी। ये ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड ये है कि आप प्रिवेंशन पर जोर दीजिए, ना कि इंस्पेक्शन पर। हमने प्रैक्टिस दोनों की करनी है, प्रिवेंशन की भी और इंस्पेक्शन की भी, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो प्रिवेंशन पर रहना चाहिए। काइज़न टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक, जो कि एडविन डेमिंग ने इंट्रोड्यूस कराया था काइज़न अप्रोच, कि ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का नाम है। क्वालिटी कहीं ख़त्म नहीं होती, आप इसको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस से गुजारते रहिए, न्यू चीज़ें, न्यू एडवांसमेंट लेकर आइए, उसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहते हैं। सिक्स सिग्मा एक अलग सर्टिफिकेशन भी है, एक अलग कंप्लीट साइंस है, द डिग्री ऑफ करेक्टनेस को कहते हैं सिक्स सिग्मा, कि आप जो लेवल ऑफ करेक्टनेस है उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाइए। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा के में, इसको हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। जस्ट इन टाइम एक अप्रोच है जिसमें हम क्वालिटी से रिलेटेड जो काम है वो उसी टाइम पे फोकस किया जाए, यानी जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप उसी टाइम उसको प्रेजेंट कर दें, उस चीज़ को लेकर आइए। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, अक्सर इस पर कंट्रोवर्सी रहती है कि जस्ट इन टाइम इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन ये भी एक टर्म्स यूज़ की जाती है। आप इसमें है फोकस ऑन अटेंशन ऑन क्वालिटी एज वेल एज अ स्केजल, इसमें आपने क्वालिटी रिलेटेड जो टास्क हैं आप उसको स्केजल के साथ जब उसकी ज़रूरत हो तब आप उसको इम्प्लीमेंट करें, यानी जो हाई क्वालिटी का एक्सपर्ट जब आपको चाहिए हो आप उसको तब हायर करें, ना कि पहले से उसको हायर करें। जस्ट इन टाइम का मतलब ये रहता है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस पर अक्सर क्वेश्चन रहते हैं कि क्वालिटी से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे आती है। तो एडवर्ड्स कहते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट जो एनवायरनमेंट डिज़ाइन करके देती है आपको, जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्वालिटी की से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस एनवायरनमेंट में और सीनियर मैनेजमेंट के डिज़ाइन और सिस्टम में आती है। 80% ऑफ क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और प्रोजेक्ट्स आर एट्रीब्यूटेबल टू द मैनेजमेंट एनवायरनमेंट एंड द सिस्टम इन विच द टीम्स वर्क्स, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन एडवर्ड डेमिंग। कुछ अभी हमने कोई प्रोसेस डिस्कस नहीं किया, कुछ की पॉइंट्स हैं क्वालिटी से रिलेटेड वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वालिटी मीन्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट, जैसे हमने शुरू में इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ, मीटिंग द रिक्वायरमेंट इज द क्वालिटी अकॉर्डिंग टू PMI, नॉट एडिंग द एक्स्ट्रा पैडिंग इज नॉट अलाउड। जो मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में वो आपने डिफाइन कर लेने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में शुरू में डिफाइन करेंगे कौन कौन से मैट्रिक्स, कौन से चेकलिस्ट, कौन से आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, उसको आप डिफाइन करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को डिज़ाइन करेगा, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है उसका प्लान, उसका भी हम पार्ट रखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। हम प्रोजेक्ट मैनेजर किसी ज़रूरी नहीं, आप एज इट इज़ जो आपको PMI की तरफ से जो टेम्पलेट मिला, जो आपको मैट्रिक्स मिले आप उसी को फॉलो करें। प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि नए प्रोसेस को, स्टैंडर्ड्स को, न्यू प्रैक्टिसेस को, लेसन लर्न को, पॉलिसी प्रोसीजर्स को इम्प्रूव भी करे, नए प्रोसेसेस को उसको रिकमेंड भी करे, और उसको एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपकी जिम्मेदारी कि आपने उसमें इम्प्रूवमेंट और अपडेट और अपग्रेडेशन लेकर लानी है अपने करंट स्टैंडर्ड्स के अंदर। जब भी कोई क्वालिटी कंप्लीट, कोई टास्क, कोई वर्क कंप्लीट हो, उससे पहले आपने क्वालिटी चेक ज़रूर करना है। जैसे ही टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद क्वालिटी चेक होगा। अथोराइज प्रोसेस अप्रोचेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वाइल इन एग्जीक्यूशन, कोई प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन में है तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोडक्ट के कंप्लीशन पे चेक नहीं करेगा कि इन्होंने अथोराइज प्रोसेस को फॉलो किया, नहीं, जब जो चीज़ प्रोडक्शन में थी उसमें आपने मेक श्योर करना है कि अथोराइज प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो आपने उस टाइम पे उस पर चेक लगाना है। अच्छा, जब भी कुछ चेंजेस आएंगी किसी भी स्कोप रिलेटेड तो आपने क्वालिटी के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो ज़रूर देखिएगा। चेंज रिक्वेस्ट जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली आएंगी, उन चेंज रिक्वेस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है स्कोप पर, टाइम पर, कॉस्ट पर, हर चीज़ पर। उस पर देखें क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप हमने ये भी एनालिसिस करना है और कितने लेवल पर कंस्ट्रेंट्स हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्वालिटी रिलेटेड, ये भी हमने डिफाइन करना होता है। हमने ये देखना है प्रोजेक्ट मैनेजर ने कि क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोसेस को एडिक्वेटली, जो आपको, अच्छा इसमें एक चीज़ है, जो आपको स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स दिए गए ऑलरेडी,
देखें वो कितने परसेंट तक आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं। दूसरी चीज़ आप ये मेक श्योर करना, आपको जो एज ए हमने एज इट इज़ लेके नहीं चलना, आपको एक चेकलिस्ट पकड़ा दी, एक स्टैंडर्ड पकड़ा दी कि आप इसको फॉलो करें, आप उसको फॉलो करते हैं बाद में पता लगता है कि वो तो आपकी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को भी फील नहीं कर रहे थे, फुलफिल नहीं कर रहे, उसकी रिक्वायरमेंट क्वालिटी रिलेटेड उससे है ही नहीं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड का। तो जब आप उस स्टैंडर्ड्स दिए जा रहे हैं तो आप उस वक्त चेक कर लें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उससे रेलिवेंट है या नहीं है, ये चीज़ भी मेक श्योर कीजिएगा। एज इट इज़ लेके नहीं चलना, हमने अपनी चीज़ें भी रिकमेंड करनी है। मोस्टली क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है वो क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अगर तो डिपार्टमेंट है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो आपने कुछ टास्क उनको असाइन करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वालिटी के इश्यूज हैं उसके रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्या है, मतलब आप अगर क्वालिटी को मेक श्योर करते हैं तो उस पर क्या कॉस्ट आएगी। देखें प्रिवेंशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपने इंप्लीमेंट किया, कोई ERP सॉल्यूशन आपने इंप्लीमेंट कर दिया और उससे ये कॉस्ट आपको पड़ेगी, इक्विपमेंट आपको लेकर आना पड़ेगा, कोई टू डू इट राइट कोई सर्टिफिकेशन है, कोई ISO का कोई स्टैंडर्ड है, उस पर डेफिनेटली कॉस्ट आती है। तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। अगर आप क्वालिटी को मेक श्योर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस होती है, अप्रेजल कॉस्ट होती है जिसमें टेस्टिंग होगी, जिसमें डिस्ट्रक्टर टेस्टिंग लॉस भी होता है अक्सर, इंस्पेक्शन पे जो कॉस्ट आएगी, आप कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हैं, आउटसाइडर्स को हायर कर रहे हैं कि टू मेक श्योर द क्वालिटी इन योर प्रोसेस, वो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस मीन्स आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, व्हाट डज दैट मीन आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, ओके फाइन, देन उस पर क्या होगा, रिवर्क्स आएंगे, स्क्रैप्स आएंगे, आपके फेलियर्स जो प्रोडक्शन के अंदर जो आपके पास रिवर्क्स आ रहे हैं, आपके जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, वो आपके कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है, क्वालिटी आपको मेक श्योर नहीं कर रही। ये इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल में क्या होता है, आपके गवर्नमेंट से लाइबिलिटीज हो जाती है, वारंटीज क्लेम हो जाती हैं, लॉस ऑफ बिजनेस इवन हो जाता है, सम टाइम द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी कंसिक्वेंसेस होता है। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, ओके फाइन, देन गेट रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिजल्ट्स। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ये भी आपको इसका आई एम श्योर कि आपको पता लग गया। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कौन सा, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस कौन सा है। अच्छा जनाब, ये अब ओवरव्यू कर रहे हैं, हमें उसको कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे होगा। आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन की हमने कस्टमर से लेके, उसको क्लासिफाई किया आपकी टीम ने, हमने स्कोप डिफाइन कर दिया, हम स्टैंडर्ड लेकर आ गए, अदर स्टैंडर्ड्स इस लेकर ना अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स लेकर आइए, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स से कोई बेंचमार्क्स है वो लेकर उसको आपने लेकर आना है, क्वालिटी डिपार्टमेंट से आपने इनपुट लेने हैं, एडिशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, इन सबको कंबाइन करके हमने एक क्वालिटी प्लान बनाया, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान को इंटीग्रेट किया करंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के साथ, सारे नॉलेज एरिया का प्लान यहाँ पर आया। अब आई एग्जीक्यूशन पे बात, 8811 पे क्वालिटी कंट्रोल होगा, डिलीवरर्स को मेजरमेंट होगी अगेंस्ट द मैट्रिक्सेस, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और मैनेज क्वालिटी ऑडिट प्रोसेस और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस चलेगा। फिर रिजल्ट एनालिसिस होगा, 8A, 8B, 8C पे रिजल्ट एनालिसिस होगा, इसमें तीन कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, या वेरीफाइड डिलीवरर्स हैं 9 नंबर पे, वेरीफाइड डिलीवरर्स, 10 पर लेसन लर्नड, 11 पर चेंज रिक्वेस्ट, आपने एनालिसिस किया कुछ चेंज रिक्वेस्ट आई, चेंज रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती हैं, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स में, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल्स को प्लान के अंदर एडजस्ट किया, दोबारा एग्जीक्यूशन में हम गए, दोबारा उसी प्रोसेस को फॉलो किया, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी मैनेज के जो प्रोसेस, दोबारा हमारे पास रिजल्ट्स आए, यहाँ पर अगर क्वालिफाई हुआ दिस टाइम, अगर चेंज रिक्वेस्ट आई तो अगेन उसी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज लेसन लर्न जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस एसेट्स के अंदर अपडेट हो जाएंगे, जो कि हमारा प्रॉमिस है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स को अपडेट और अपग्रेड करेंगे। और वेरीफाइड डिलीवरर्स हो गया, वर्क कंप्लीटेड, कस्टमर एक्सेप्टेंस किंग पे वेरीफाइड का प्रोसेस है, स्कोप मैनेजमेंट जैसे हमने किया था, वेरीफाई वैलिडेट द स्कोप, तो ये वैलिडेट का स्कोप का प्रोसेस है, आफ्टर ऑल आपकी क्वालिटी कंट्रोल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर हम वैलिडेट द स्कोप के प्रोसेस में आके वर्क एक्सेप्टेंस लेते हैं कस्टमर से। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है, इनके ईच एंड एवरी पार्ट को हम इस नॉलेज एरिया में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ये हमारा क्वालिटी से रिलेटेड लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।